सेठ बद्दी प्रसाद महाविद्यालय में प्रभारी निरीक्षक ने निःशुल्क कोचिंग का फीता काटकर उद्घाटन किया और छात्र छात्राओं को कोचिंग में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के गुर बताए। नगर के शिक्षण संस्थान सेठ बद्दी प्रसाद महाविद्यालय के द्वारा यूपी पुलिस रेलवे टीईटी सीटीईटी वीडियो लेखापाल ग्राम पंचायत अधिकारी की निःशुल्क कोचिंग नगर व क्षेत्र के छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने बोलते हुए कहा कि कोचिंग के माध्यम से शिक्षा के दौरान छात्र छात्राओं का कुछ अंश छूटा हुआ पूर्ण होता है, उसे पुनः ग्रहण कर सही तरीके से लाभ लिया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा बाइक चलाते समय हेलमेट तथा कार चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं तथा यातायात के नियमों का पालन जरूर करें। सेठ बद्री प्रसाद स्मृति महाविद्यालय ने आज से निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाने का आज क्रियान्वयन शुरू किया है। आज उद्घाटन सत्र था। हमारे क्षेत्र में ये कोच में जो सेठ बद्री प्रसाद स्मृति महाविद्यालय स्थापित है वो काफी यहाँ का जो क्षेत्र यहाँ के जो निवासी है वो काफी निर्धन और गरीब है। उनको उनके माँ बाप और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लालायक तो है लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति का पढ़ा नहीं पा रहे थे। वो पीस मेरे हृदय में थी, मेरे मन में थी। मैं चाह रहा था इस गांव इस क्षेत्र का निर्धन से निर्धन व्यक्ति का बालक पढ़ लिखे आईएएस आईपीएस पीसीएस और उच्चतर सेवाओं में जाए। मैं नहीं चाह रहा था कि उसकी प्रतिभा को मैं तराशने का मैं कार्य करना चाह रहा था, उन पर एक प्लेटफॉर्म देने के कार्य करना चाह रहा था। तो ये उन सब को मद्देनजर हमारा ये क्षेत्र हमारे यहाँ के गाँव की जो गरीब जनता है और उनके जो बच्चे हैं उनको भी मुख्य धारा से हम जोड़ने का कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरी सोच इस क्षेत्र के समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के उनके उन्नयन के उनके सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक उन्नयन के लिए मेरी ये सोच है। उसी सोच को पल्लवित पुष्पित करने के लिए सेठ बद्री प्रसाद स्मृति महाविद्यालय द्वारा एक कोचिंग की शुरुआत आज की गई है।